हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीति तिवारी है और मेरे चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ छोटे बालों के लिए, जिनके हेयर की लेंथ बैक से भी इतनी होगी, वो भी ये सारे मतलब दो हेयर स्टाइल बताने वाली हूँ। तो छोटे बालों के लिए दो क्यूट एंड ईजी बन हेयर स्टाइल है, लो बन हेयर स्टाइल है। तो आप लोग वीडियो देख के ट्राई कर लीजिएगा, आपको कौन सा हेयर स्टाइल अच्छा लगा, ईजी लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। और मेरा इंस्टा आई डी PreetiBhai24 है, तो वहाँ पर भी जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हो। वहाँ पर मैं अपनी रील्स वीडियोज अपलोड करते रहती हूँ। एंड जो सेकेंड चैनल है जिसमें ब्लाउज की डिज़ाइन अपलोड करती हूँ, तो उस चैनल पर भी जरूर जाइएगा, जिसका नाम सिलाई कोर्स प्रीत तिवारी है, और उस चैनल को भी सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए, ज़्यादा बातें ना करते हुए, टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सिंपली आपको तो ये जो हेयर स्टाइल है वो मैं साइड पार्टिंग से कर रही हूँ। आप मिडिल पार्टिंग से भी कर सकते हो, जैसे आपके फेस पे सूट करता हो आप वो पार्टिंग चूज कर लीजिएगा। तो मैंने इस तरीके से साइड पार्टिंग निकाल ली है, देन ईयर के पीछे वालों को लगा दिया। आप चाहो तो लेयर्स निकाल सकते हो, जो कि लेयर्स अच्छे दिखते हैं तो आप निकाल लेना, अगर आपके फेस पे शूट करते हो तो, नहीं शूट करते तो आप छोड़ दीजिएगा। उसके बाद फिर आप बैक साइड से थोड़े थोड़े से लेयर्स ले लीजिए। ओके, ये देखिए इस साइड से, और सेम इसी तरीके से दूसरी साइड से इनको यहाँ पे सेंटर में लेके आएंगे और एक ब्लैक रबड़ बैंड लेंगे इस टाइप का, यहाँ पे रबड़ बैंड लगा देंगे। बस इसको सिंपली नीचे की तरफ से इंसर्ट करके निकाल लेंगे। ओके, थोड़ा सा इसको टाइट कर देंगे। इतना करने के बाद से आपको हेयर का ये वाली जो आपकी पोनी है वो साइड में रखनी है, सेंटर से इस तरीके से पार्टिंग कर लेना है। यहाँ से दूसरी साइड से फिंगर को इंसर्ट करना है। हेयर स्टाइल टूल्स है तो वो यूज कर लीजिएगा, मेरे पास भी है, मैं दिखा देती हूँ यूज करके कैसे करना है, क्योंकि इससे आप बनाओगे तो एकदम फिनिशिंग आएगी, बिल्कुल भी बेकार नहीं लगेगा। तो यहाँ से आप इस तरीके से हेयर को हेयर स्टाइल टूल्स में डालना है और इस साइड से खींच लेना है सिंपली। ओके, अब जो इस साइड के हेयर हैं इनको टू पार्ट्स में डिवाइड करना है और इस तरीके से ऊपर की तरफ से लेके आना है ये वाला हिस्सा ऐसे, और ट्विस्ट कर देना है एंड पार्ट तक। एंड तक ट्विस्ट करने के बाद से यहाँ पे आप एक रबड़ बैंड लगा देना पतला वाला, आपके फेस पे भी अगर लेयर सूट करते हो तो आप ज़रूर निकालिएगा, इससे आपके हेयर स्टाइल काफ़ी अच्छा दिखता है और मैसी सा लुक आ जाता है। तो मैंने इस तरीके से निकाल दिए हैं। अब इधर से ट्विस्ट करते हुए अच्छे से टाइटली ट्विस्टिंग कर लेनी है एकदम। ओके, और यूपिन्स ले लेना है या फिर बॉबी क्लिप्स ले लीजिएगा। बॉबी क्लिप्स लोगे तो आपका हेयर स्टाइल थोड़ा सा लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, यूपिन से थोड़ा निकलने का डर रहता है यूपिन, लेकिन सेटिंग स्प्रे लगा दोगे तो वो नहीं निकलेगा, तो आपकी चॉइस है। दो तीन पिंस लगा लीजिएगा ताकि अगर आपको लंबे टाइम के लिए हेयर स्टाइल रखना है तो आपका हेयर स्टाइल खुल ना जाए। और ये हमारा हेयर स्टाइल लो बन हेयर स्टाइल कंप्लीट हो गया है। तो है ना, इजी सा क्यूट सा लो बन हेयर स्टाइल आपका, बहुत ही आसान तरीके से आप बना लोगे और कहीं से भी रबड़ बैंड भी नहीं दिख रहा है, हाइड हो चुका है सारा रबड़ बैंड। तो ये हमारा फर्स्ट लो बन हेयर स्टाइल था। चलते हैं सेकेंड हेयर स्टाइल की तरफ।
जो सेकेंड हेयर स्टाइल है उसमें आपको साइड से पार्टिंग लेके हल्का सा ट्विस्ट कर लेना है और पुल करना है, थोड़ा सा पफ का लुक आना चाहिए। फिर से एक और लेयर लेनी है और उसी ट्विस्टिंग के साथ मिलाते जाना है। ओके, हल्का सा आगे की तरफ पुल करके यहाँ पे क्लिप से सेट कर लेना है। कल जैसे मैंने कल की वीडियो में बताया था उसी तरीके से क्लिप सेट करना है यहाँ पे, ताकि आपका क्लिप जो है हेयर स्टाइल है वो खुले नहीं। जितनी देर भी आप रखना चाहते हो इस तरीके से सेट करने से, उतनी देर के लिए आपका हेयर स्टाइल वैसे का वैसे टिका रहता है। दूसरी साइड से सारे हेयर्स को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और यहाँ पे भी एक क्लिप ऐड कर देंगे, तो फ्रंट का लुक कुछ इस तरीके का रहेगा। ये भी बहुत छोटे बालों पे आप बना लोगे इजीली। बाकी सारे हेयर्स को कॉम करके एक पोनी टेल बना लेंगे। ओके, पोनी टेल बनाने के बाद अगेन ये वाला हेयर स्टाइल टूल का यूज करेंगे हम लोग। और धीरे धीरे हेयर्स को खींच लेंगे नीचे की तरफ से। ओके, खींच के इसको टाइट कर देंगे ताकि जो आपका रबर बैंड है वो अच्छे से हाइड हो जाए। थोड़ा थोड़ा यहाँ से खींच लेंगे तो ताकि आपका जो हेयर स्टाइल है वो उसका लुक अच्छा है। इसके बाद से जो आपका हेयर बचा है उसको 3 पार्ट्स में सिंपली डिवाइड कर लेंगे और एक चोटी बना देंगे। चोटी बनाने के बाद से छोटा वाला रबर बैंड लेंगे, पतला वाला सॉरी, और यहाँ पे लगा देंगे। थोड़ा थोड़ा इसको खींचेंगे थोड़ा वॉल्यूम दिखाने के लिए, बालों में वॉल्यूम आ जाती है। इस तरीके से खींचने से आपके पतले बाल भी काफ़ी घने दिखते हैं। और इसको सिंपली यहाँ पे लेके आएंगे अंदर की तरफ इंसर्ट करते हुए बॉबी क्लिप से सेट कर देंगे, बॉबी क्लिप या फिर यू क्लिप यू पिन से। जब भी आप यू पिन्स लगाते हो तो जैसे हमने ऊपर से स्टार्ट किया और नीचे जो हमारा रबड़ बैंड है वहाँ तक इसको अटैच करोगे तो आपका यू पिन्स निकलेगा नहीं और लंबे टाइम के लिए बना रहेगा आपके हेयर स्टाइल के साथ। तो आप ये ट्रिक ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपका यू पिन जाके जुड़े, मतलब जो आपने रबड़ बैंड लगाया वहाँ पर टच होता है, तो आपका हेयर स्टाइल है वो बहुत अच्छा और लॉन्ग टाइम के लिए बना रहेगा। अब यहाँ से कॉम कर लेंगे ताकि जो हमने हेयर को खींचा था वो एडजस्ट हो जाए और बीच से हमारी स्कैल्प ना दिखे। तो ये हमारा हेयर स्टाइल, सेकेंड हेयर स्टाइल, सेकेंड लो बन हेयर स्टाइल कंप्लीट हो चुका है, जो कि काफ़ी स्टाइलिश, काफ़ी इजी है और छोटे बालों में काफ़ी अच्छी दिखेगी। बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा कि आपके बाल बहुत छोटे हैं, पतले हैं, हल्के हैं, और सब आप बहुत आसानी से और कंफर्टेबल रहोगे इस हेयर स्टाइल के साथ और काफ़ी स्टाइलिश भी लगता है। तो आप ये दोनों हेयर स्टाइल ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपको दोनों में से कौन सा हेयर स्टाइल अच्छा लगा वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। और ट्राई किया जो जो हेयर स्टाइल ट्राई किया उसके बारे में बताइएगा, मुझे अच्छा लगता है आप लोगों का कमेंट पढ़ के। अगर आप लोग बताते हो कि मैम मैंने ये वाला हेयर स्टाइल ट्राई किया है, तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।